नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। ग्राम सेवा सहकारी समिति खियाला पंचायत समिति जायल जिला नागौर अध्यक्ष महिपाल मुंडेल से खास मुलाकात की, हमारे संवाददाता ने देखी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील खिची और आप देख रहे हैं वीएम भारत टीवी। और आज हमारी टीम पहुंची है नागौर के अंदर, ग्राम सेवा सहकारी समिति खियाला पंचायत समिति जायल जिला नागौर के अंदर। यहाँ की जनता ने जो सोसाइटी अध्यक्ष पद पर विराजमान किए हैं युवा संघर्षशील ईमानदार हमारे साथ जुड़े हुए महिपाल जी मुंडेल, और उनसे खास मुलाकात के अंदर बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं और क्या एजेंडे हैं, और सोसाइटी के प्रति कब से आप इस कार्यकाल में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। और विशेष तौर से दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, वो 20-22 साल से जो राजनीति के अंदर काफ़ी एक्टिव धनी के मालिक हैं, तो आइए उनसे रूबरू होते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हो। सर, पहले तो वीएम भारत टीवी सुनील खिची और कैमरामैन मनोज जोरड़ का आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो सर, बातचीत करते हैं पहले आपके राजनीति परिचय से। सर, तो वीएम भारत टीवी में कैसा महसूस कर रहा है आप कैसा महसूस कर रहे हो और राजनीति के क्या आपका राजनीति परिचय क्या है? तो मेरा राजनीति स्टार्टिंग में वार्ड पंच बना था जी, उसके बाद में अध्यक्ष जी, उसके बाद में सरपंच जी, रवि भी निर्विरोध अध्यक्ष जी, 17-18 साल से कंटिन्यू में ही हूँ अध्यक्ष। तो सर, बातचीत करते हैं कि सोसाइटी के अंदर जब आप किसानों से अटैचमेंट हुए या जब आप उनसे मिले तो उनकी मेन समस्याएं क्या आ रही थी किसानों? मेन समस्या ये लोन की है जी। सर, नया लोन दे नहीं रहे जी, अभी तक वही चल रहा है जी। नया लोन के बारे में बोल रहे हैं, राज्य सरकार से मिल नहीं रहा पेमेंट जी, इसलिए नहीं दे रहे जी, जी। पुराने जो मेंबर है उसको लोन दे रहे हैं, नए कोई को भी जोड़ नहीं रहे जी। नया डीएपी की सुविधा यहाँ जी सर, और तो कहाँ से उपलब्ध होती है डीपी यूरिया जब किसानों को इसकी आवश्यकता होती है? वो तो नागौर से जी, सहकारी सोसाइटी से जी। तो सर, बातचीत करते हैं आपके राजनीतिज्ञ के बारे में, तो आपका काफ़ी लंबा रहा है राजनीतिज्ञ सफर, तो उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा राजनीति तो कहा, पहले में वार्ड पंच था जी, उसके बाद में चुनाव ये अपन अध्यक्ष का लड़ा था, उस टाइम चुनाव हुआ था, उसमें मेरी जीत हुई, उसके बाद से मैं निर्विरोध चल रहा हूँ जी सर। और 2010 के अंदर सरपंच का चुनाव लड़ा था, वो भी मैं 5 सदस्य खड़े थे जी, मेरी जीत हुई थी जी। तो सर, बातचीत करते हैं आपकी सोसाइटी के बारे में, तो सोसाइटी के अंदर जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, प्रत्येक किसान को किस आप लाभान्वित करने की पूरी कोशिश करोगे आप? नहीं, वो तो यही है कि भाई आप डिफॉल्ट मत हो, ताकि आपको जो भी है मुआवजा वगैरह वो मिले, वो टाइम टू टाइम आपको सोसाइटी से ऋण मिले। जो डिफॉल्टर हो गया उसको ऋण नहीं दे रही है सोसाइटी, और जो रनिंग में चल रहा है सही उसको मिल रहा है लोन। सर, बातचीत करते हैं एमएसपी की, तो सरकार किसानों की काफ़ी ये मांग उठ रही है कि ये जो एमएसपी 25% है इसको बढ़ाकर 100% किया जाए, तो आपकी सोसाइटी और आपके किसानों का क्या यहाँ क्या सुझाव देना? वो यही सोच रहे हैं ना कि एमएसपी बढ़ाओ जी। तो सर, बातचीत करते हैं आपकी सोसाइटी के, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपने सोचा कभी मीडिया से रूबरू होने की, अगर हमारे को सुविधा प्रदान होगी तो हम मीडिया के सामने ये प्लेटफॉर्म पे जो मुद्दे हैं वो रखना चाहेंगे? तो हमारा तो एक तो ये है, जो भी नया सदस्य बने उसको लोन मिलना चाहिए, दूसरा ये डीएपी और वगैरह ये बीज वगैरह वो भी मिलना चाहिए, कृषि यंत्र का भी मिलना तो चाहिए। इनके लिए कभी उपलब्ध नहीं करा? नहीं, नहीं, नहीं कभी नहीं मिला ही नहीं हमको डीएपी की, हमने कोशिश भी की जी, मगर अब डीएपी के लिए यूरिया के लिए तो आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रस्ताव भेजा? नहीं भेजा ना हमारा जी। वो क्या आश्वासन मिला? नहीं के बोले आगे के लिए सोचेंगे देंगे जी। तो वीएम भारत टीवी में सर आपको 10 मिनट देने के लिए कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया, अच्छा हुआ। तो सर, बातचीत करते हैं नशे की प्रवृत्ति के बारे में, देखो आज छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, ये सवाल आपसे बहुत अहम पूछ रहा हूँ मैं, महत्वपूर्ण निजी है पूछ रहा हूँ कि जैसे क्या है कि आजकल बच्चे छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, आपराधिक मामले के बारे में क्या करना चाहते? नहीं, वो नशे के बारे में ध्यान तो रखना चाहिए, गार्जियनों को भी रखना चाहिए, आम आदमी को देखना चाहिए कि रात में बच्चे 10 बजे 11 बजे तक क्यों घूम रहे, तो उसका ध्यान भी रखना चाहिए, गार्जियनों को भी रखना चाहिए, ज़्यादा उसको पढ़ाई की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए जी। तो सर, यहाँ आपके सोसाइटी के प्रति जैसे नए जो किसान हैं उनको क्या जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे किस हिसाब की दिलवाना चाहते हो, या अच्छा खाद बीज मिले उनको, या टाइम टाइम पर उनको गाइड किया जाए, खेती बाड़ी अच्छी टेक्निकल खेती हो, जैविक खेती हो, उसके बारे में उनको बताया जाए, तो कृषि विशेषज्ञ वगैरह क्या चाहते हो कि ऐसे ऐसे कृषि विशेषज्ञ दिए जाए खेती के बारे में बता सके?
नहीं वो तो हमको मालूम नहीं है भाई क्या होगा क्या नहीं, मगर कृषि विभाग वाले आएंगे तब उसको बताएंगे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कृषि विभाग वाले वो अभी पंचायत में कैंप लगा था। हाँ वही तो। हाँ तो क्या बोले आप सब्सिडी लो, यंत्र खरीदो उसमें आपको कृषि विभाग सब्सिडी देगा। जी ये बात। सर बातचीत करते हैं तो आपकी सोसाइटी का कितना लोनिंग है, कितना पीडीएफ कंट्रोल वर्क है, और सोसाइटी की एफडी कितनी है, सोसाइटी के पीडीएफ कंट्रोल वर्क कितने हैं, ऋणी सदस्य कितने हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऋणी सदस्य 400 के लगभग है जी। और 1 करोड़ के बाहर हमारा ऋण दिया हुआ है, लोनिंग है। और ज़्यादा डिफॉल्टर भी नहीं है, 97% तक लोनिंग क्लियर है, अभी नया लोन मिल गया उन लोगों को वापिस। सर बातचीत करते हैं जैविक खेती के बारे में, आजकल देखा जाता है कि डीएपी यूरिया डाल डाल के जो अपनी फसलें हैं वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं कि जैविक खेती अपनाओ और अपने देश को बचाओ, तो क्या कहना चाहते हो कि खेती बाड़ी के अंदर जैविक खेती की उन्नति ज़्यादा हो? नहीं जैविक खेती करे तो बहुत अच्छा है, मगर इधर हमारा अभी नहीं है जैविक खेती वाला मामला, यही है जैविक का नहीं है मामला। हमारे साथ जुड़े हुए महिपाल जी मुंडेल, उनका बोलना है किसी प्रकार का मुद्दा होगा तो मैं दिन रात किसानों की सेवा में लगा रहूंगा, और जितना टाइम अगर मैं अध्यक्ष पद पर विराजमान हूं तो जब तक जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की होती किसानों को लाभान्वित करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सुनील खींची, वीएम भारत टीवी में सर सिमर देने के लिए। जय हिंद। ओके थैंक यू।